प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं भूराराम, एसोसिएट प्रोफेसर एंड ऑपरेटिंग प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। ट्रांसपोर्ट फिनोमिना में अभिगमन घटनाओं में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था विस्कोसिटी के बारे में। आप जानते हैं अभिगमन घटनाओं में समय के हस्तांतरण से या स्थानांतरण से संयंत्र का गुण उत्पन्न होता है और ऊष्मा के या ऊर्जा के स्थानांतरण से उसमें चालकता का गुण उत्पन्न होता है तथा जो मिश्रण है वो अणुओं की संख्या या अणुओं के स्थानांतरण से या द्रव्यमान के अभिगमन से उत्पन्न होता है। अब अपन ये पढ़ेंगे कि अभिगमन घटनाएं होती क्या है। इसमें अपन ये कहेंगे ट्रांसपोर्ट फिनोमिना से, यानी एक चीज़ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई वस्तु या कोई भौतिक राशि के स्थानांतरण से ये नया गुण उत्पन्न होता है। तो अपन कहते हैं कि भाई जो ऊष्मा है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है और कब तक बहती है, जब तक कि वो साम्यावस्था में नहीं आ जाए, दोनों स्थानों का तापक्रम समान ही हो जाए। अब आप यह देखिए कि आपके अपने पास एक्स वाई एक तल है जहाँ पर गैस है या दो सतह है, एक ये और एक ऊपर। ऊपर वाली सतह क्या है, इसका तापक्रम अधिक है, नीचे वाली का कम है। अब ये एक्स वाई तल में गति कर रही है, बह रही है और ये अपना जेड अक्ष है। जैसे जैसे अपन जेड अक्ष में जाएंगे इसका तापक्रम बढ़ता जाता है। अब देखिए आप जैसे मान लीजिए जेड इक्वल टू जीरो से जेड, जेड अपना क्या है, माध्यम मुक्त पथ है। इस माध्यम मुक्त पथ पर तापक्रम की है, इससे लैम्ब्रा दूरी ऊपर और लैम्ब्रा दूरी नीचे पर क्या होगा, तापक्रम टी प्लस लैम्ब्रा डी टी बटा डी जेड और टी माइनस लैम्ब्रा डी टी बटा डी जेड होगा। तो तापांतर के कारण क्या होती है, ताप प्रवणता उत्पन्न होती है। तो अपन ये कहेंगे कि किसी निकाय में उच्च ताप के अणु निम्न ताप की ओर गति करते हैं, अणु की ऊर्जा ताप का उत्पन्न होती है, अणु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति से ऊष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जिसे इसमें उसका चालकता का गुण उत्पन्न होता है। अभी अपन ये कहेंगे कि ए परत के अणु वो बी परत की ओर आएंगे और सी परत के अणु डी परत की ओर आएंगे और ये कम से कम कितनी दूरी पर है, लैम्ब्डा दूरी पर ऊपर है और लैम्ब्डा दूरी पर नीचे है। अपन ये कहेंगे कि मान लीजिए गैस के एकांक आयतन में अणुओं की संख्या एन है। अब अपन एक ऐसा बेलन की कल्पना करते हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर एकांक क्षेत्रफल है और उसकी लंबाई सी बार है। तो उस बेलन का आयतन कितना होगा, सी बार होगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, पाई आर स्क्वायर 1 और एच की जगह अपन सी बार लिखेंगे। इसके एकांक आयतन में अणु कितने हैं, एन है, तो उसमें कुल अणुओं की संख्या क्या होगी, सी वी बार होगी, यानी सॉरी सी बार इंटू एन होगी। अब तीनों दिशाएँ एक्स वाई और जेड तीन अक्ष हैं, उसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी, एन सी बार बाई 3। एक्स वाई या जेड तीनों दिशा में कितने जाएंगे, एन सी बार बटा 3 हो गए। इस प्रकार प्लस जेड और माइनस जेड दिशा में अणुओं की संख्या कितनी जाएगी, एन सी बार बाई 6 जाएगी। अब अपन ये कहेंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा का कितना स्थानांतरण हुआ, तो अपन जानते हैं क्यू बराबर होता है एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी। किसी भी ठोस ऊपर ऊष्मा देते हैं या दूसरे ताप में वृद्धि करते हैं तो उसके द्वारा ग्रहण की उसमें यह सूत्र होता है, या एच क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा होती है। अब अपन गैसों के लिए कहेंगे तो गैसों के लिए क्या होगा कि स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा काम लेंगे, तो यह क्या होगा एम इंटू सी वी इंटू टेम्परेचर कितना होगा, ई प्लस लैम्ब्डा डी टी बाई डी जेड होगा। अब अपन ये कहेंगे कि ए प्रति के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड बी प्रति पर पहुंचने वाले एन सी बार बार 6 होंगे और ये हम द्वारा कितनी ऊष्मा हस्तांतरित की जाएगी, वो क्या होगा, टी वन बराबर 1/6 एन सी बार एम सी टी टी प्लस लैम्ब्डा डी टी बाई डी जेड ये होगी। फिर सी प्रति के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड ए प्रति हस्तांतरित ऊष्मा कितनी होगी, क्यू टू बराबर 1/6 एन सी बार एम सी टी टी माइनस लैम्ब्डा डी टी बटा डी जेड होगी। इसलिए बी प्रति के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड अभिगमित ऊष्मा कितनी होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक इतनी थी और यहाँ से यहाँ तक इतनी, जिसको प्रति सेकंड कितनी मिलेगी, अपन इसमें से जेड अक्ष की दिशा में लेंगे यानी ऊपर की, तो इसमें से इसको अपन माइनस कर देंगे, क्यू बराबर क्यू टू माइनस क्यू वन। अब देखिए इसमें 1/6 एन सी बार एम सी टी टी माइनस लैम्ब्डा डी टी बाई डी जेड माइनस टी माइनस लैम्ब्डा डी टी बाई डी जेड, इसे टी कैंसिल हो जाएगा माइनस टू लैम्ब्डा डी टी बाई डी जेड, टू से थ्री काट देंगे तो -1/3 एन सी बार एम सी बी डी टी बाई डी जेड इंटू लैम्ब्डा, ये अपना क्यू का फॉर्मूला होगा। अब अपन क्यू का फॉर्मूला जानते हैं, छोटी कक्षा पढ़ चुके हैं अपन, क्यू बराबर माइनस के ए डी टी बाई डी जेड होता है, यानी दो पढ़ते हैं उनके बीच का उनके क्षेत्रफल ए है, तो एक सतह से दूसरे क्षेत्रफल कितनी उत्सर्जित होती है, क्यू बराबर माइनस ए ए डी टी बाई डी जेड, माइनस से है
मुक्त ऊर्जा निकलती है। अब अपन ये भी क्यू का सूत्र है, ये भी क्यू का सूत्र है, इसमें तो अपन तुलना करा रहे, तो इसमें के की जगह क्या आता है, ये माइनस में आएगा, तो एक अपन माइनस का चिन्ह भूल गए हैं। अब अपन इसको तीन और चार को कंपेयर करते हैं, तो के बराबर आएगा एन सी बार एम सी बी वन अपन थ्री एम एन सी बार एम एन को अपन रो लिखते हैं, वन अपन थ्री रो सी बार इंटू कैमरा वन अपन थ्री रो सी बार इंटू कैमरा, ये इधर अपन जानते हैं इधर बराबर। अपन यहाँ चाहते हैं तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, तो इसमें अपन एक दूसरे को डिवाइड करें तो क्या होगा, के बटन मीटर इंटू सी बी एन के बराबर मीटर इंटू सी बी। आप समीकरण पाँच में ऐसा भी लिख सकते हैं के बराबर वन अपन थ्री रो सी बार इंटू कैमरा आप चाहते हैं इसमें इसका भाग दे दो तो ये कट जाएगा, सी बी बच जाएगा के बराबर बीटा इंटू सी बी। सी बी अपना स्थिर आयतन की विशिष्ट ऊष्मा है, इतना अपना श्यानता गुणांक है और के क्या है ऊष्मा चालकता गुणांक है। तो इस प्रकार अपन कहेंगे कि तापांतरण के कारण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जब ऊष्मा का प्रवाह होता है तो ऊष्मा चालकता का गुण उत्पन्न होता है। धन्यवाद।